हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकार है। मेरा नाम अनिरुद्ध। मेरा नाम अरिंद मोहम्मद। तो आज यार कोई गोरी आई है कोई घूमने के लिए, इंडिया की कोई एक्सप्रेस ट्रेन है भाई, बड़ी बेसब्री से घूमना चाहती है पूरे इंडिया का भाई जर्नी। ट्रेन का नाम है एक्सप्रेस भाई, बड़ी शिद्दत है। हमने भी बहुत सारी जर्नी देखी हुई है ट्रेन, मगर इस बार तो देखेंगे ये गोरी क्या बोलती है। उधर जाना है, चलो उधर चलते हैं। लाइन लगी हुई है भाई यहाँ पे, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। क्या करना है बताओ, लाइन लग जा। ये भी लगेगा लाइन में? नहीं नहीं नहीं। दुहाई डिपो लास्ट स्टेशन, लास्ट राइट। और बच्चे के लिए तीन नीचे मैम, आई थिंक 6 साल का। यस सर, मैम सॉरी, इनका लगेगा 3 टिकट। यू हैव टू बाय 2 टिकट। ओके, वी बाय 3 टिकट। लेफ्ट से चलते हैं ऊपर, बहुत बड़ी लेफ्ट है, दरवाजे बंद हो रहे हैं। It looks really nice, you know? अरे भाई, ये तो बहुत बहुत अच्छा स्टेशन है और कितना सारे फोन है। फोन? और इधर गए थे के फोन? एक मिनट। हाँ, हम इधर में हैं और ये नेक्स्ट स्टेशन है। और हम यहाँ जा रहे हैं ना? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, इधर में। यहाँ जा रहे हैं ना? आप यहाँ, you are here. 3 मिनट में आ रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो? We don't know how to go there. Stay with me. ये येलो वाली जो लाइन है ना, इसके हमेशा पीछे खड़ा होना होता है आपको, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का हमेशा। पहला है। The first coach is ours. It was mentioned there that for those who purchased premium tickets. अच्छा, आपने premium ticket खरीद लिया? कितने रुपए की आई? 160 ना? 160? नहीं नहीं, 180. 180? 3 tickets. ये 6 साल का है तो उसकी भी टिकट लगी है। चलो यार, अब अंदर चलते हैं। डब्बे में चढ़ गए हो आप, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, आप जा जाओ, आप जाओ। मैं यहाँ क्यों जाऊँ भाई, ये प्रीमियम नहीं है ये, मैं कौन सा है मुझे पता नहीं। ये प्रीमियम है। मैंने सुना था प्रीमियम में वो है, वो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, वो कहाँ है? वो वेंडिंग मशीन है ना, उसमें बाय बाय कर दी भाई। है प्रीमियम नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूँ। वैसे बहुत अच्छी सीट है, स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी सीट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। फिर ना जाओ, अब ढूंढते हैं हमारा वाला प्रीमियम डब्बा कौन सा है। सबसे आखिरी में चढ़ गए हम, इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट। मतलब सबसे पहले डब्बे की जगह सबसे आखिरी डब्बे में चढ़ गए हम लोग। एक कैटोलिना ने मुझे समझाया था, अब चल दी गाड़ी, टिकट मत जाना। ये स्टैंडर्ड है और यहाँ पिकअप बड़ा जबरदस्त है इसका, सब लोग फिल्म कर रहे हैं, पता नहीं ये लगता है ब्लॉगर्स ही आए हैं यहाँ पर सारे। चल दी गाड़ी भाई। क्या बहुत सारे फूलों से सजा रखा है, अभी नया उद्घाटन हुआ है ना, इसलिए और मैं फूल चाहिए। तो गेंदे का फूल दे दूं उठा के आपको? क्या गेंदे का फूल दे दूं? दैट फ्लावर्स नेम इज गेंदा। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपको? ऑरेंज कलर का है, ये तो मुरझा गया भाई।
बाय बाय बेटा, बाय बाय कर दे ट्रेन को। वेरी फास्ट, या सुपर फास्ट। अब वापस चलते हैं भाई। तो यार कितना मिनट है अभी, कितने मिनट बचे हैं? 5 मिनट ना, 5 मिनट के आसपास इंतजार करेंगे। 7 मिनट, यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है और अंदर भी है गाड़ी की भी वेंडिंग मशीन। मिलन तो बहुत खुश है आज। हाँ बोलो बेटा। हाँ वेंडिंग मशीन देख के भूख लग रही है आप। उसे गुब्बारे मिल गए, पंखे बहुत अच्छे हैं, अच्छी आवाज रही है। समझे तो बड़ा खुश नसीब हूँ आज देवी कैरोलिना के साथ बाहर अपने बहुत समय बाद इस तरह से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। और अब तो देखो मिलन भी बड़ा हो गया है। पीकाबू, पीकाबू, पीकाबू। तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, मौसम भी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। मौसम तो बहुत अच्छा है। ये क्या कर रहा है? जाऊं आगे? शाबाश। पता है उल्टा चलना भी एक्सरसाइज होती है, ऐसे चलना पता है आपको? ऐसे भी चलते हैं, इससे ना अलग तरह के मसल्स काम करते हैं, ऐसे आप उल्टा चलते हो तो ये भी एक्सरसाइज है। मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ। आप क्यों चिल्ला रहे हैं जी? मिलन नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। क्यों? आराम से, आराम से। Hey, you look great. बच्चे भी मेरे को मार दिए, हंसा नहीं रहती है। स्विमर कैसे भी मूव, ये कौन से तरह का है भाई? हाँ को दिखाता हूँ हमारे घर का क्या हाल रहता है। देखो आप, ये हाल है घर का, क्या करते हैं दोनों ये। और देखो वो वहाँ पे आराम से काम करते करते गई, लैपटॉप वहाँ पे रखा हुआ है, गिर नहीं, मतलब गिर क्या नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एक तरह से कहा जाए कि मतलब कान कान कॉलेप्स होकर सो गई हैं। और ये देखो दोनों को क्या कर रहे हैं ये, उसको देखो छोटे वाले लोग। ये देखो क्या हाल होता है, रात बजे चले काम करती हैं। वाला गुरु है इसका, तो छोटा वाला जो वो करता है उसी का अनुसरण करता है, वो भी सारे गेम चलाए हैं उसने। ये क्या लेके आते हैं? अरे यार, और जब कुछ भी खराब हो जाता है उसकी जिंदगी में, चाहे सूटकेस गिर जाए, कोई खिलौना नहीं मिल रहा, मतलब कुछ भी हो जाए, मिलन को उसे बोलना तो ये आता नहीं है, तो बस मामा, बस मामा, उसका मतलब वो एक कोड वर्ड है, उसे मामा बोल दिया मतलब कुछ ना कुछ खराब चल खराब हो गया उसी लाइफ में। हाँ भाई आज तो मजा आ गया देख कर, एक अंग्रेज लोग देखा ना बड़े, वो भी हिंदी में बात कर रहे थे भाई, वो भी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी, वो भी जर्नी देखा है, बहुत अच्छी यार ट्रेन देखी हमने भी, बड़ी खूबसूरत भाई कमाल की, जो अंदर भी था मटेरियल वो भी एकदम दिल को छू गया, जो स्टेशन पर था ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट पर देख,
भाई जो छोटे बच्चे थे ना दोनों नट खट थे भाई, बड़े हंस रहे थे, वो भी हिंदी में बात कर रहे थे ना, ये हमारे लिए शॉकिंग में था भाई। छोटा बच्चा भी देखो पूरे पूरे घर को तबाही कर दिया भाई, ब्रीफ केस खोल कर कपड़े धपड़े ये वो खोल कर भाई। आज तो है ना पूरा हमें भी बचपन उन लोगों ने याद दिला दिया। आज की वीडियो रील बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ यार आज ने हमने देखा नमो भारत ट्रेन तो भाई बड़ी जबरदस्त थी, क्या फास्ट थी यार, मजा आया, पता ही नहीं चला सफर इनका गुजर गया भाई साहब। और ये जो थी अमेरिकन या कहाँ से थी अंग्रेज भाई, जो भी थी हिंदी में बात कर रही थी, जैसे इंडियन हो भाई, वो हमारा इंडियन कोई भाई था वो भी इनके साथ आया यार, मजा आ गया इनको देखकर। बच्चे ही बड़े कमाल के थे, वो बड़े वाला तो बड़ा तेज था भाई, तुम जाओ मैं आता हूँ ऐसे पास दौड़ रहा है। छोटा भी कम थोड़ी था, छोटा हो भाई तोतला था कर रहा था यार, मजा आ गया। ये आज का लोग देखा ना इनका नमो भारत ट्रेन का भाई, जो अभी स्टार्टअप था भाई उसका सही से देखेंगे। ये तो इन्होंने ज्यादा आनंद में नहीं दिखाया, नहीं तो एक तो भाई अलग वाले भाई जो थे वो तो करीब से दिखाते हैं, ये कुर्सी देखो ये सिस्टम, तो यार मजा आ गया। फिर भी ये नमो भारत का इफ्तिताह देखा जबरदस्त भाई, बड़ा अच्छा आया। नमो भारत जो ट्रेन थी वो तो बहुत खूबसूरत थी, उसका लुक ही जो है ना क्या बात है यार, बनाने वाले ने कैसी चीजें बनाई है, बहुत मजा आ गया हमें यार। हाँ तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही हैरान की है कि स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है यार। काश हमारे यहाँ ये से होता ना तो हम भी बहुत खुश नसीब अपने आप को कहते। अब यही हमारी बदकिस्मती है, फिर भी हम खुश है इसीलिए कि हम भारत में, चलो ठीक है हमारे यहाँ नहीं है भारत में तो बन रही है ऐसी चीजें, और कभी ना कभी नसीब होगा तो हम भी आएंगे भारत और टूर करेंगे, ऐसी ट्रेनों में भी घूमेंगे। आज जो देख रहे इंशाल्लाह कभी हमारा नसीब होगा तो हम उन्हीं में बैठेंगे, लेकिन यार एयरपोर्ट से कम नहीं है, मैं यही कहूँगा भाई हम भी बैठेंगे सर, पूरी पूरी ना हिंदुस्तान में घूमेंगे। हम तो डब्बों में बैठ के घूमेंगे, उतरेंगे थोड़ी ट्रेन भाई, आगे वक्त में ये इंडिया वाले भेजेंगे तो हम खरीदेंगे। हाँ भाई ये बनाएंगे इसीलिए हाँ हम बैठे खरीदेंगे हम। भाई आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे, खास कर ये फॉरेन से लड़की आई थी ना भाई, उसने भी बड़ा हिंदी में वो बात करी, जो हिंदुस्तानी भाई जितनी तारीफ करे बहुत बहुत कम है, बाकी जो आज की जर्नी बहुत अच्छी लगी।